उसे रोज़ छोड़ के तीसरे रोज़ सुबह को वो किताब मुझे वापस मिल जाती थी। चुनांचे अगर मैं सिर्फ नाम इस वक्त गिनाना शुरू कर दूं, तो इंशाल्लाह आप लोग काफ़ी बोर हो सकते हैं। जान डिक्सन कार, कार्टर ब्राउन, एडगर वेलेस, पीटर शेनी, ये यानी इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। जेम्स एडली चेज, आपके अर्ल स्टेनली गार्डनर, कि जैसे मालूम होता था कि ये दाल भात है, खा रहे हैं बैठे हुए। वो शख्स पढ़ता था और पढ़ के उसका खुलासा बता देता था। उनकी इब्न सफी साहब से मुलाकात हो ही नहीं सकी, इसलिए कि उनको जब हम लोगों ने जाना तो इब्न सफी साहब जा चुके थे, लेकिन उनके बताए हुए खुलासे महफूज थे जो इब्न सफी साहब को भेज भी दिए जाते थे। तो और इसी में बिल्कुल आप की तवज्जो के लिए कि अभी फारूकी ने जिस किताब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया और वो कुछ फंक्शन वगैरह हुआ दिल्ली में, तो वो किताब जान डिक्सन कार की लिखी हुई है और उसमें कैरेक्टर फिंच का था, जो नहायत इत्मीनान से असरार ने अपना लिया था और वो फारूकी की ही गोया दरियाफ्त थी कि उन्होंने मुझे दिया था, मेरे हवाले से असरार तक पहुंची थी। तो अब ये तय हुआ कि ये कहानी राही लिखेंगे। राही शायराना नसल लिखते थे, ऐसी नसल लिखते थे कि वो शायरी का गुमान गुजरता था। वो सीधे सीधे ये नहीं लिख सकते थे कि वो उस तरफ के दरवाजे से दाखिल हुई, बल्कि वो उसको लिखते गए, खुशबू का एक झोंका दबे पांव दरवाजे की राह से दाखिल हो गया। तो वो जबान जासूसी के लिए मुनासिब नहीं लगी मुझे, और मैंने एक हफ्ते में विक्टर गन का एक नावल था आयरन साइट्स, जिसको पीटर शेनी ने भी लिखा था, वो मैंने असरार साहब के हवाले किया और उन्होंने उसे, जिसे कहते हैं कि मुझे गालियां दे दे के, और लिखा और एक हफ्ते में लिख दिया और मैंने उसे कातिब को दे दिया और उसने उसे मुकम्मल कर दिया। अब हुसैन हैदर साहब को तशवीश हुई, कहने भाई वो मैंने कहा था जासूसी नावल लिखने के लिए, कथा वो तो लिख गया है। हैं, कैसे लिख गया है? बुलाओ राही को बुलाओ। तो पूछा उन्होंने राही को बुला के, तो मालूम हुआ कि उन्होंने 12 सफ़े लिखे हैं। मैंने कहा वो लिख गया है, किताबत भी हो गई है, सिर्फ नाम उस मैगजीन का रखना है। चुनांचे जासूसी दुनिया नाम हुसैन हैदर साहब का रखा हुआ है, जो अब्बा हुसैनी साहब के वालिद थे। और अब ये नावल दिलेर मुजरिम के नाम से उसमें छपा। ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी, इसलिए कि हम लोग नावलों में आदि हो चुके थे। आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ये शायद पढ़ा हो। एक साहब थे नदीम सहवाई फिरोजपुरी, तो वो लिखा करते थे जासूसी नावल बहराम और डाकू मुबारक भी ये, और उसमें बड़ा मज़ा भी आता था हम लोगों को पढ़ने में। तो उन तमाम नावलों में सब बात होती थी, मिजाह का उंसुर नहीं था, और असरार के पास उनके कलम में जो शुगुफ्तगी, नुकीलापन, नस्तरियत थी, वो उस दौर में किसी के पास नहीं थी, बिला मुबालगा। हालांकि
कन्हैया लाल कपूर जिंदा थे और वो हमारे और असरार के मुश्तरका हीरो थे, लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत है कि जो हमारा हीरो था उससे ये हमारा जो तालिब इल्म था आगे बढ़ा हुआ था। उसको एक फितरी सलाहियत थी नामों की पैरोडी बनाने में, लोगों के बेतुकेपन का मजाक उड़ाने में, शरारतें करने में, परेशान करने में, और फिर एक ऐसी इंसानी हमदर्दी की शमा उसके दिल में रोशन रहती थी, हर वक्त रोशन रहती थी, कि हैरत होती थी कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे मोहल्ले में वो अमीन थे, लोग उनके यहाँ अपना सामान रखा जाते थे। एक बार मेरे सामने ही एक साहब बक्स दे गए थे, वो आके ले गए, छोटा सा बक्सा था तो उसमें गद जमी हुई थी। हम दोनों ने कभी एक दूसरे से सीधी जबान में गुफ्तगू नहीं की, गालियाँ दे के गुफ्तगू करते थे और इस पर फख्र करते थे कि गाली जो है वो हमारे कल्चर का वो जुज है जो दुनिया के किसी कल्चर में नहीं है। हर मुल्क में देखिए गाली दी जाती है, उसकी तौहीन की जाती है। आप बिल्कुल ईमानदारी सोच लीजिए, और खिंदीर का बच्चा, ये सुअर का बच्चा यही कहते हैं वो अंग्रेज, उसके पास कोई लफ्ज ही नहीं है बास्टर्ड कहने के अलावा। हमारे यहाँ गाली दी जाएगी, कितनी मोहब्बत होती है, देखिए रिश्ता जोड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देंगे तो रिश्ता जोड़ते हैं। और हमारे असरार कहा करते थे कि देखो बेटा ये बात याद रखो कि कोई लफ्ज चुनना तो पहले काफिये पे नज़र रखना कि उस लफ्ज का काफिया क्या क्या है। तो गाली के इतने लजीज काफिये थे कि आज तक, यानी देखिए आपको भी सुन के हंसी आ गई, और मेरा ख्याल है किसी वजह से मुनासिब नहीं समझा, वरना ताली तो बजाते ही, इसलिए कि गाली का जिक्र था। और फिर जो मुसाहरती रिश्ता होता है उसमें दुनिया का हसीन तरीन रिश्ता हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है, जो जिसको साली कहते हैं। और अफसोस इसका है कि हमारे उर्दू के लिखने वाले भी लिखते हैं चंद सालों से ये हो रहा है। सुना आपने साल अव्वल का? मैंने हाथ जोड़ के कहा कि भैया एक ही क्या कम होता है जो कई सालों का जिक्र करते हो, बरसों लिखा करो। मगर घूर के देखते हैं और उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। तो असरार की ये नसीहत कि काफिये पर नज़र रखो, ये सिर्फ गाली के लफ्ज तक नहीं थी, इंसानी ज़िंदगी के जितने अमाल हैं हर अमल का एक काफिया होता है। और जब हर अमल का एक काफिया होता है तो उस काफिये पर गौर करते रहिए। उसने हमेशा ये कहा कि देखो कश्मकश हयात में कभी शिकस्ता दिल न होना। मैं तीन अगस्त सन 47 से और अगस्त सन 52, 18 अगस्त सन 52 तक मेरा उनका साथ तकरीबन
15-16 घंटा रहा है, एक दूसरे से छेड़छाड़, नोक झोंक। तेग साहब, मुस्तफ़ा जैदी तेग, उनका मखसूस हदफ थे, उनके दोस्त भी थे, उनका निशाना भी थे। असरार क्रिश्चियन कॉलेज में बज़्मे अदब के सदर थे, उनके सेक्रेटरी का मज़मून मैं ले आया हूँ और मैंने ये खालिद सईद साहब के हवाले भी कर दिया है, सिप्त अहमद कमर, उनको ख़िताब दिया था उन्होंने डर, इसलिए कि उन्होंने सिप्त अहमद कमर ने एक कहानी लिखी जिसमें प्रेमचंद से मुतासिर होके, उनकी प्रेमचंद की कहानी है नई बीवी, उससे मुतासिर होकर उन्होंने वो कहानी लिखी थी। तो उसके नीचे उन्होंने लिख दिया था कि नाव ठहरी हुई है लंगर से, तो राकिब ने भी उसके नीचे मिसाल लगा दिया था कि बीवी अटकी हुई है नौकर से। तो उस वक्त से उनका नाम ही पड़ गया था सिप्त अहमद कमर डर। और अभी हाल में उनका एक नावल आया है प्रोफेसर लाठी वाला, वो भी मजाहिया लिखते थे, उनके दोस्त थे। मगर सबसे ज़्यादा असरार से जिसकी दोस्ती लड़ाई की शक्ल में थी वो तेग साहब थे। तेग साहब के पास तरन्नुम नहीं था मगर मुशायरे पे छा जाते थे। मैं बग़ैर उनके के दो मिसरे आपको उनके लहजे में सुनाए नहीं मानूंगा, सुना के रहूँगा, आप लोग बाद में मेरी मरम्मत कर दीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है, टूटा फूटा हूँ, ठीक हो जाऊँगा। जनाब सदर की इजाज़त से नेशनलिस्ट मुसलमान का इस्तफसार उनकी नज़्म थी। मैं पूछता हूँ, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि आज तक के अजायम का क्या सिला है, यही ये हब्सो कैद के अहकाम, ये नई जंजीर, हमें मिला भी अगर कुछ तो क्या मिला है यही। खफा न हो तो मैं पूछूं कि यूं तासुब में हमारे मुंह से हमारी जबान क्यों छीनी, किसी के हाथ में देकर हजारों कृपा ने हमारे तीर हमारी कमान क्यों छीनी। इस तरह पढ़ते थे। मैं इसके बाद अगर 5 मिनट और पढ़ूंगा के लहजे में तो फिर 4 आदमी की जरूरत फौरन पेश आ जाएगी। तो तेग साहब से कभी नहीं बनी, और तेग साहब कम्युनिस्ट थे। उस वक्त जितने लोग हुआ करते थे हम लोगों के उम्र के, वो कम्युनिस्ट हुआ करते थे, ये बिल्कुल सही है। कम्युनिस्ट होने के लिए इतनी बातें ज़रूरी थी, पैजामा ज़मीन से प्यार करते हुए चले, और जिस्म पर मैं हाथ जोड़ माफी चाह रहा हूँ, आपकी सदरी वैसे कसम खुदा जी वैसी नहीं है, लेकिन ये कि सदरी पहने रहते थे और एक झोला लटका रहता था, मोटी कमानी का सियाह, मोटी कमानी का चश्मा। बातचीत में इतने नाम अगर नहीं लिए तो वो फिर इस काबिल नहीं है कि दोस्तों की महफिल में बैठ सके। महका फिस्की, अलिया अहरन बर्ग, मिर्ज़ा तरसूम ज़ादे, मैं अक्सर ये सोचता था कि या अल्लाह ये सब इन लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, दास कैपिटल, वो हमको ज़बरदस्ती, हमारे उस्ताद थे, वाइस चांसलर हो के रिटायर भी हो गए, वो हजेला था, उन्होंने कहा था कि इसे पढ़ो, हमने बड़ी कोशिश की। आप कसम खुदा की यकीन दिलाता हूँ कि रात में 1:30 बजे तक
पढ़ने की कोशिश करता रहा, दो सफेद ज्यादा नहीं पढ़ सका तो समझने की बात कहाँ थी। हम सब लोगों के साथ ये सब मेरे असरार और इश्तियाक के अलावा ये सब मुनाफिक थे, ये सब मजहबी लोग थे, दिल में मजहब का एहतराम भी करते थे मगर पोज नुमाइश कॉमरेडिज्म। हम तीन आदमी बदकिस्मती से ये एक बात थी कि पाबंद सौम सलात तो थे, इसमें कोई शक नहीं है, तारीख़ सलात तो बिल्कुल नहीं थे, मगर ये भी है कि वो पाबंदी नहीं थी पांचों वक्त वाली, यानी इस वक्त ही खा गए, जैसे आज सुबह की नमाज हम खुद ही खा गए थे मगर बगैर पढ़े नहीं आए हैं, और कज़ा पढ़ी है, रोज़ा नहीं छूटता था। तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो माहौल बनाती थीं लिखने के लिए, दिलचस्प बातें लिखने के लिए। असरार हमारे साथ, हम बुनियादी तौर पर सहाफ़ी थे और अखबार से हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, अपनी जगह पर जब हमने ये नखत निकाला तो असरार साहब को रखा और उन्होंने 15 दिन के बाद नहायत नफीस तराशीदा गालियाँ अखबार के एडिटर को, पूरे अमले को, सहाफ़ती दुनिया को दी और उससे अलग हो गए। कहने पर देखिए, वो कभी ये नहीं कहते थे मुझसे, ना मैं कहता था कि तुमने कहा था, अबे तूने कहा था, ये हम लोगों के दरमियान का लहजा था, उस पर शर्मिंदगी नहीं है। हजरत हमारे अहमदुल्ला साहब के बेनज़ीर खुतबे में अदब की बहस थी, मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि कोई भी तारीफ हो, मैंने तो खैर अदबनी सरकार रसालत की ज़बान से सुना और उसी से अदब की तारीफ मुतय्यन की, लड़कों को पढ़ाता रहा और मैंने जितना उन्होंने कानून के बारे में बताया वो भी वही बदकिस्मती से कि अभी वो एक लड़का यहाँ पे जिसे तलावत की थी, बड़ी अच्छी आयत की तलावत की थी, पूरा जासूसी अदब भी उसने बयान कर दिया था, चांद और सितारे और खैर व शर की कश्मकश, मैंने भी वही याद रखा था, लकत खलक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकत खलक नल इंसाना फी एहसन तकवीम सुम्मा रददना हो असवलत साफलीन, तो ये एहसन तकवीम और असवलत साफलीन की कश्मकश रही है, सब में एक चीज़ शामिल रही है और वो जज्बा रहा है। अगर जज्बात नहीं हैं, अगर आप खुश नहीं हो सकते, अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते, आपको गुस्सा नहीं आ सकता, तो आप मुजरिम हो जाएंगे, आप यकीन माने। पाबंदी से रोज़ सुबह को और कुछ कीजिए या न कीजिए, नमाज तो पढ़िए ही, अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाहुमा असरह कुल्ले फासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन, और उस दुआ मांगने के बाद हंसिए, खुश होइए, अपने बुज़ुर्गों की खिदमत कीजिए, अपने छोटों के साथ शफ़क़त से पेश आइए। अगर ये जज्बात हैं तो जराइम की बेकनी होगी। अहमदुल्ला साहब की तकरीर इतनी दिलकश थी कि हमारा दिल चाहता था कि सब कुछ छोड़ के और हम इनकी तकरीर पे तकरीर करें। देखा जाएगा
अब ये होगा क्या, तुम्हारी तकलीर इलीगल है, चलो तुम्हारा मुकदमा चलेगा। चलो जब चारा घोटाले में बच जाता है, आदमी चारा खा के बच जाता है और कोयला खा के सलामत रहता है और सब कुछ करता है, मगर ये नहीं तय हो पाता कि जो कानून आपने वजह किया है उसकी बुनियाद क्या है। कानून तो मैं ये कानून के मुताबिक मैं इस वक्त लाकानूनीत का शिकार हो रहा हूँ कि बहुत देर बोल गया, लेकिन बुनियाद क्या है? आपने अपने कानून पर नज़रसानी करने की ज़हमत अभी तक नहीं की है। मैं फिर यही कहता हूँ, कानून एक ही है और उस कानून पर अगर अमल कीजिएगा तो इंशाअल्लाह माशरे में फसाद नहीं होगा। उस कानून को छोड़ दीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा और हो रहे हैं। तो फिर मैं लौट के आया कि हम सब उस कानून को मानते थे। एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही अभी हाल में कि हम सब लोग मौला अली को मानते बहुत हैं, सही कही थी, बहुत मानते हैं। उनका कहना नहीं मानते और ठीक है, और यही बात अहादीस शरीफ के लिए भी है। आप मानते हैं सब, आप कहना नहीं मानते। बस मेरी दरख्वास्त है अपने बच्चों से, जैसे कि यहाँ जो बाद में देखा 70 साल के बच्चे मेरे सामने बुजुर्ग बन रहे थे, तो उनसे भी दरख्वास्त से हाथ जोड़ के कि मानिए, कहना मानने की बात ज़्यादा ज़रूरी है, कहना जानने की बात उतनी ज़रूरी नहीं है। इंटेंशन मेला फाइडी है या बोना फाइडी है ये आप नहीं तय करेंगे, ये उसका ज़मीर खुद तय करेगा। तो बहरहाल फिर मैं लौट के आया, हम सब लोग मजहबी थे, इस मजहबी माहौल में ये जासूसी नावल का सिलसिला शुरू हुआ। पहला नावल गलत लिखा है लोगों ने कि मार्च 1952 में शाया हुआ, मार्च की तारीख डाली गई थी इसलिए कि एक महीना एडवांस तारीख रहती थी, बुक स्टॉल से जो लोग गुजरते थे वो एडवांस तारीख की वजह से खरीदते थे। और दूसरी एक बात ये भी बतानी है कि जासूसी दुनिया उर्दू और हिंदी में मिला के आखिरी इशाद, जब तक मैं वाबस्ता रहा हूँ, मैं वाबस्ता रहा 1966 तक, मैंने 1966 के बाद इसलिए तर्क किया था कि इसी शख्स ने जिसका नाम असरार अहमद था, इब्तदा से ही जब हमारा और इनका एक साथ हुआ यूनिवर्सिटी में, और मैंने अपने मजमून में लिखा भी है कि टीचर्स को बहुत सताते थे, बहुत सताते थे, ऐसे उल्टे सीधे सवालात करते थे कि वाकया ये है कि मास्टर की खोपड़ी घूम जाए। सिवाय एजाज साहब के और कोई टीचर ऐसा नहीं था जिसको इन्होंने तंग न किया हो, बहुत तंग करते थे। तो उस वक्त से, और मैं बदकिस्मती से इनके पास बैठता था, ये अंदाज उनका होता था। मेरा उनका साथ रहा है यूनिवर्सिटी से, जो लोग इलाहाबाद से वाकिफ हैं, यूनिवर्सिटी से हसन मंजिल का रास्ता तकरीबन 2 मील पड़ जाता है, पैदल भी हम लोग गए हैं। मैं तो अक्सर इस ख्याल से कि यूनिवर्सिटी की तौहीन है, जूते पहन के भी नहीं गया, इस वजह से कि था ही नहीं। मगर इन सब बातों के बाद हम लोगों ने
एक मिशन और एक मुकद्दस फरीदा समझ के लिखना शुरू किया था। अगर हमारी तहरीर से तुम्हारे होठों पे मुस्कुराहट आ सकती है, अगर हमारी तहरीर रुमाल का काम कर सकती है और किसी के आंसू पोछ सकते हैं, अगर हमारी तहरीर तुम्हारी ज़िंदगी के तनाव को कम कर सकती है, अगर हमारी तहरीर से तुम्हें मसरतें हासिल हो सकती हैं, तो ये बेहतर है कि हम इस फिक्र में रहें कि अदब आलिया हमें जगह देगा या नहीं देगा। असरार ने कहा था, बहुत वक्त हो गया मोहम्मद मियाँ साहब को जब भी मैं देखता हूँ, 2 साल पहले देखा था, मुझे फारसी नहीं आती, फारसी क्या कुछ भी नहीं आता, मगर जब भी देखता हूँ तो फारसी का एक मिसरा याद आता है, हरदम नज़र बर हुए तू करदम जवां शुदम। क्यों? इसलिए कि हमने जो ख्वाब देखे थे, खुदा गवाह है हमने जो ख्वाब देखे थे, अगर कोई साइंसी आला ऐसा होता कि हम अपना दिल चीर के दिखा सकते कि उर्दू के लिए हम लोगों ने क्या ख्वाब देखे थे, हमारी नस्ल ने क्या ख्वाब देखा था, वो ख्वाब अब हमें पूरे होते दिखाई देते हैं। ख्वाबों की ये तकमील, ये दोहरे बदन की शख्सियत वाला आदमी जो देखने में यूनिवर्सिटियों में तो वाइस चांसलर जाते हैं, वो माशाल्लाह से उनकी दोनों जेबें भरी रहती हैं। अफसोस कि मेरे पास ब्लेड नहीं है, वरना मैं उसका मुजाहरा भी करता, मगर इनकी जेब खाली दिखाई दे रही है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपको मैं मुबारकबाद नहीं देता, आपको तहनियत नहीं पेश करता, आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको सिर्फ इस पर आमादा कर रहा हूँ कि बढ़े जाइए कोहे गरा तोड़कर। आपने वाकई कोहे गरा तोड़ा है और यहाँ एक ऐसी तरबियत गाह कायम की है जो हमारे लिए सुकून कल्ब का बाइस है। अब 82 साल की उम्र में, अरे भाई कितने दिन की बात, मिलो जो हमसे तो मिल लो कि हम बनो के गया मिसाले कतरे शबनम रहे रहे न रहे। मगर हमको ये इत्मीनान है कि इस दुनिया से जाते वक्त हम नफ्से मुतमईना का खिताब लेते जाएंगे। हमको ये एतमाद रहेगा कि हमने इस दुनिया में अगर खुद कुछ नहीं किया है तो कम से कम कुछ अच्छा होते हुए देखा तो है। तो मैं हजरात, बहुत वक्त लिया मैंने, मगर मुझे बहुत कम वक्त लगा। मैं ऐसी 3 तकरीरें करने को तैयार था। मैंने इब्ने सफ़ी के फन पे कुछ नहीं कहा, मैंने ये नहीं बताया कि कैसे नावल लिखे जाते थे, ये नहीं बताया कि एडिटिंग कैसे होती थी, मैंने ये नहीं बताया कि कितने लोग हम लोगों के साथ बैठते थे। बहुत सारी बातें रह गईं, मगर ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, कुछ रह जाता है। मौका हो सकता है, ये एक शख्स बैठा हुआ है खालिद सईद, आज से 27 बरस पहले मुझे बीदर ले गया था, पता नहीं क्या समझ के ले गया था। न्यू आज तक मुझे हैरत है कि मुझे मेरा क्या ताल्लुक था, इन्होंने मुझे देखा भी नहीं था, मगर मुझे बीदर बुलाया और वहाँ मुझसे तकरीर करवाई। और उस वक्त एक अखबार निकलता था बंगलौर से सालार, उसके एडिटर से मकसूद अली खां साहब,
वो भी आए थे। जलसा जहाँ किया था किबला ने, वहाँ पंखा तक नहीं था और कोई खातिर नहीं, कोई तवाज़ो नहीं, मगर मैं ये कहने में कोई उज़ुर नहीं समझ कुछ माजरत नहीं करूँगा कि जैसा कबाब और पराठा इनकी बीवी ने मुझे उस रोज़ खिलाया, आज तक मुझे नहीं खाने को मिला, न मिलेगा। सुबह आते ही तशरीफ लाए, दिल खुश किया, रूह को शाद किया, मगर साथ ही साथ ये कह के बर्बाद किया कि वो अलील हैं, पर इतना खौफनाक नाम दिया अंग्रेजी में कि वो डिस्क पता नहीं क्या हो गया, तो मैं डर गया। और अब मायूसी है। तो मैं खालिद सईद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना वक्त दिया, और दरख्वास्त करूँगा कि जब भी मिले वक्त और आप लोग सुनना चाहें तो मैं इब्ने सफ़ी के किरदार कैसे बने, यानी जो फरीदी साहब हैं, इनका नाम फरीदी क्यों है, इसलिए कि डॉक्टर अब्दुल अजीज़ फरीदी लखनऊ की मशहूर अफसानवी शख्सियत थे, उनसे मुतासिर होकर उनका नाम बना था। जो कासिम थे वो कौन थे, यानी सब लोग थे, ये सब बताता। और जैसा मैंने कहा था कि जो कभी किसी ने सुनी ना हो वो कहानियाँ मैं सुनाऊँगा, मगर अब मैं क्या करूँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बस सिर्फ इतना कहूँगा कि बातें हमारी याद रहें, फिर बातें ऐसी न सुनिएगा, कहते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। शुक्रिया। हाज़रीन मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर मुजाविर हुसैन रज़वी साहब दास्तान की दास्तान, इब्ने सफ़ी की दास्तान अपनी ज़बान से सुना रहे थे, जिसके वो ख़ुद भी एक किरदार रहे हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि आज हमने रास्त उनसे इस्तफादा किया। अब इसके बाद सदारती खुतबे की बारी है। मैं बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ शेखुल जामिया प्रोफेसर मोहम्मद मियां को दावत दे रहा हूँ सदारती खिताब के लिए। जनाब प्रोफेसर मुजाबिर हुसैन रिज़वी साहब, प्रोफेसर एस ए शकूर साहब, प्रोफेसर अहमदुल्ला साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इतने दिलचस्प और मालूमाती तकरीरों के बाद कुछ कहना शायद मुनासिब नहीं लगता। मालूमाती दोनों एतबार से और दिलचस्प आपने देख लिया कि 45 मिनट्स। मैं तो आपको सलाम करता हूँ कि इतनी देर आप खड़े रहे यहाँ, और मैं समझता हूँ कि इनके लिए एक बार तालियां फिर से बजा दीजिए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और जब मुजाविर साहब ने मुझसे पूछा कितना वक्त है तो मैंने कहा कि जितना आप मुनासिब समझें, तो मैंने ये सोच के कहा था कि मैं अपना वक्त भी मुजाविर साहब को दे दूँगा, इसलिए मैं उसको फॉलो करूँगा। अब मैं कुछ ज़्यादा ना कह के बस एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये इस सेमिनार के इंदकात का क्या वजह है और इसको कहाँ तक जाना चाहिए, इस सिलसिले में जो मेरे अपने ख्यालात हैं उसी के बारे में मैं बताऊंगा। मगर उससे पहले जो मुजाविर साहब ने कहा खालिद सईद साहब के बारे में कि 27 साल पहले खालिद सईद साहब उनको बीदर ले गए थे, और उससे पहले अगर आपको याद होगा तो उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 28 साल की है, तो 28 साल और 27 साल में एक ही साल का फ़र्क हुआ ना, तो खालिद साहब कैसे ले गए होंगे, गोद में ले गए। बहुत दिलचस्प रहा, और मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी सुना था लेकिन आज ख़ास तौर से ज़्यादा मौका मिला सुनने का, और क्योंकि ख़ुद उनकी आप बीती थी, उनकी ज़ुबान से सुनी, इससे ज़्यादा और बेहतर कोई तरीक़ा इब्ने सफ़ी के बारे में जानने का हो नहीं सकता। इब्ने सफ़ी के बारे में मेरी मालूमात ज़्यादा नहीं है सिवाय इसके कि मैंने उनके नावल शुरू से आख पढ़े और बहुत पढ़े, चाहे वो
یا عمران سے متعلق رہے ہوں یا فریدی سے متعلق رہے ہوں, دو مختلف قسم کے کریکٹر تھے یہ. فریدی نہایت سنجیدہ, عمران نہایت وغیرہ وغیرہ. اب آپ ان دونوں ناولوں کو پڑھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جب میں چھٹے یا ساتویں کلاس میں تھا تو میں یہ احساس کرتا تھا کہ یہ اس کے بعد کیا ہوگا اور فریدی کا کیا اس میں موو ہوگا. اور اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے, ناول کے پوائنٹ آف ویو سے تو آپ دیکھیے تو آپ کی ایکسرسائز, مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہے اینڈ لاجک آپ شروع کرتے ہیں کہ ان دا گیون سرکمسٹانسز واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. یو نو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ناول ناولوں کی طرح پڑھے جاتے ہیں, بلکہ یہ آپ کی قابلیت کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کہیں ضرور اثر انداز کرتے ہیں. قاسم اتنے سنجیدہ ہونے کے, قاسم سنجیدہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. فریدی اور حمید کے ساتھ قاسم کا ایک جو ملاپ تھا وہ اس لیے تھا کہ کہیں نہ کہیں چھوٹا بہت کہیں ایک تھوڑا سا چینج بھی آنا چاہیے, چینج بھی آنا چاہیے. جہاں بہت سنجیدہ سلسلہ چل رہا ہے وہاں قاسم کو بیچ میں لا کے تھوڑا سا چینج ہوتا ہے, اس کو پاز کہتے ہیں انگریزی میں. اور پاز از ویری امپورٹنٹ فار کنٹینیوئنگ دا انڈرسٹینڈنگ آف دا ناول. یو نو تو وہ جو ٹیچر ایجوکیشن والے ہیں وہ بھی پاز پڑھاتے ہیں کہ آپ مستقل 45 منٹ تک بھاشن نہ دیجیے کلاس میں, تھوڑی تھوڑی دیر بیچ بیچ میں کچھ اور کیجیے تاکہ وہ ریفریش ہوتا رہے. اس کو میں پاز سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک طریقہ تھا ہم لوگوں کو سیکھنے کا. دوسری بات جو میں اس میں دلچسپی رکھتا ہوں, کیونکہ میں میرے والد تین بھائی تھے اور تینوں کے بچے ایک ہی مکان میں, دو منزلہ مکان تھا, سب ساتھ رہتے تھے. نمبر میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ کافی بڑا نمبر ہے. اتنی بہنیں اور بھائی تھے تو ہم جاسوسی اور رومانی ناول دونوں ہمارے ہاں آتے تھے. کون جاسوسی ناول پڑھتا تھا اور کون رومانی ناول پڑھتا تھا وہ بھی نہیں بتاؤں گا.